समझ। साला इस तरह तो कोई लंगूर अंगूर देखकर नहीं उछलता होगा जिस तरह ये अपने दामाद को देखकर उछल रहा। गजब बेइज्जती है। और दामाद से याद आया, ये दामाद जी तो हर महीने ऐसे आ जाते हैं जैसे एक औरत का पहली पीरियड्स आ गए। तो आज हम बात करने वाले हैं सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर ईशान अली। अरे ईशान अली तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनके वीडियो देखने के बाद तुम्हें मोटिवेट नहीं डीमोटिवेट फील करोगे। चलो फिर शुरू करते हैं। कौन है ये लोग? अबे हंस रहा रो रहा क्या डरा रहा? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हंस रहा या कि रो रहा कि डरा रहा। बात तो सही है। तो कहीं मिर्गी के दौरे तो ना आने लग गए? मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? मजा आया। आओ आओ दामाद जी आ। अरे ये दामाद है या फिर कुत्ता जो आ आ करके बुलाए जा रहे हो? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरी तो मत खराब हो गई, मेरी तो मत खराब हो गई। अरे चचा एक काम करो, तुम सबसे पहले अपनी मत को ही बना लो। तुम्हारी बार बार मत ही खराब हो जा रही है, मत ही खराब हो जा रही है। You are right bro। माता जी सब खैरियत है? नहीं है खैरियत, 10,000 की जरूरत है, लाओ दोगे? आए हुए टाइम नहीं हुआ कि भीख मांगना शुरू। सही बात है, गलती हमारी गलती। और ये ईशान भी सोचता होगा कि हमारी गलती है, ये सोचकर कि साले तुम्हें कैसे दामाद बना लिया हमने। छह बच्चे आओ दामाद जी आओ। दामाद जी क्या कोई काम नहीं चल रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ससुर को भी मालूम है कि इसका काम धंधा कुछ चल नहीं रहा, तभी तो छह छह बच्चे हो गए हैं। हरामी हो बेरोजगारी के वजह से भाई। हाँ भाई ससुर जी, तुमसे वादा किया था हमने, गरीब जरूर हैं मगर तुम्हारी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रहने देंगे। हम तो खाना समझे थे पर ये कुछ और दिए जा रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर एक साल एक लड़का, मतलब ये 40 साल इसके साथ रह गई तो 40 बच्चे तो यूं ही दे देगा। क्या सोच है रे तेरी? हट्टर के इंसान। 86 दे दिए, 7वां देने वाला हूँ, ये बहुत महान काम है। चचा ये महान काम नहीं, हवस भरा काम है। साला 7वां देने वाला हूँ ऐसे बोल रहा है जैसे लग रहा कोई मेडल लेकर आने वाला हो। बहुत सारे बच्चे पैदा करना कोई महान काम नहीं है। सही बात है ईशान भाई, क्योंकि ज्यादा बच्चे तो सुअर भी कर देते हैं। नाचने वाली को उठा लाया ये भाई, क्या मुजरा करवाया घर में? हम तो जाते रहते हैं इनका नाच देखने। निकाल इसको नाचने वाली को घर से बाहर। पापा इनकी माँ बीमार रहती हैं, बस उनके इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए ये नाचती हैं। इस समाज ने इस पे नोट न लुटाकर अगर इसकी परेशानी को समझा होता तो आज ये नाचने वाली नहीं बनती। ये सब देख कर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इस प्यार को क्या नाम दूं। मैं इससे शादी करके इसको इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ। यही कारण से मैं इसे सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था। ऐसे ऐसे ज्ञान दे देता है जो साला खुद भी ना फॉलो करता हो। अरे हकीकत में तुम्हें दम है तो ईशान भाई ऐसे ही एक लड़की से शादी करके दिखा दो, तब हम माने तुम सही में ज्ञान देते हो, उसे फॉलो भी करते हो। पापा मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ घूमने, तो जल्दी से। अरे ईशान भाई ये कैसी कैसी हरकतें करना चालू कर दी आजकल। हाँ मुझे बाइक भी दूसरी लेके दो, अब 1 महीना पहले तो दिलवाई है तुझे। ओ डियर डैड मॉडल पुराना हो गया। पुराना तो ईशान भाई तुम भी 30-35 साल हो ही गए होगे। इसका मतलब क्या तुम्हारे अब्बू बदल के नया ला दे क्या? डियर पॉप लाओ जेब गरम करो, चल निकल यहाँ से, मेहनत करके ला। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कमा नहीं सकता? देखो लाता हूँ शाम को कमा के, देखो कमा लाया मैं। अरे ईशान भाई कमा के लाए या फिर तुम अपना गवा के आए? गजब बेइज्जती है। अगर कमा के आए भी हो तो यार तुम जिस तरह भी कर रहे हो ये गलत तरीके से ही कमा के आए हो। और यार अभी तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो ऐसे वीडियो तुम लोग को मिल पाएगा। पापा आप ना बहुत अच्छे हो। चले बेटा स्कूल। ईशान अभी ये क्या बवाल पहन रखा तूने? अरे भाई वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये आजकल ईशान भाई क्या क्या पहनने में इंटरेस्टेड रह रहे हैं यार। कभी अपने मोटिवेशनल वीडियो से लोगों को घायल कर रहे हैं, कभी ये कपड़े पहनकर लोगों को घायल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये पहन के जा कहाँ रहा तू? वो पापा आज इसके स्कूल में मदर डे की पार्टी है वही। और जाने को तो तुम शर्ट पैंट पहनकर भी जा सकते थे, क्या मतलब किसे इस कपड़ों में मजा आता है? क्या सोच है रे तेरी? पार्टी में औरत बन के जाने की क्या जरूरत है? अरे चचा यही तो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मदर्स डे में तुम शर्ट पैंट पहनकर भी जा सकते थे, पर इन्हें तो अलग ही लेवल चढ़ा है मोटिवेशन का।
सबकी मम्मी आ रही हैं। मेरी मम्मी तो अलग पास हैं, इसलिए मैडम ने कहा कल तुम मत आना। पापा मैं भी जाऊंगी पार्टी में। और ईशान भाई कौन सा ऐसा स्कूल होता है जहां मैम बोल दे कि यार मदर्स डे की पार्टी है और तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए तुम मत आना, थोड़ा हमें भी मिलाओ उस स्कूल से। और चलो कुछ हद तक मान लेते हैं कि तुम्हारी तरफ ऐसा कुछ स्कूल होते भी होंगे, तो इसका मतलब क्या है भाई कि तुम साड़ी पहनकर चले जाओगे? ये साड़ी मैंने अपनी खुशी के लिए नहीं पहनी है। अरे हाँ ईशान भाई, हमें मालूम है तुम ये साड़ी हम लोग की खुशी के लिए तो पहने हो, तभी तो हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करके जाएंगे, कर देना तुम लोग।